I frankly say he's the most dangerous one. होता है पूरी दुनिया घुमा के तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। वीर सावरकर पे बेस्ट ये मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर 2 घंटे 58 मिनट की लेंथ है, जो काफी लोगों को एंटरटेनिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। ये उन लोगों को मूवी पसंद नहीं आएगी जिन्हें स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर कांग्रेस के पार्टी मेंबर, या फिर उनको कांग्रेस पार्टी से बहुत ही लगाव है। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? ऐसे वीर सावरकर की उन सभी घटनाओं को इस मूवी में रूबरू कराया गया है, जो कहीं ना कहीं स्वतंत्र वीर सावरकर जी देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाए। यह मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर देश आजादी पे बेस्ड है, जो बहुत ही एक शानदार कहानी है। जिस कहानी को दबा दिया गया था, उस कहानी को रणदीप होंडा ने बहुत ही नजदीकी से स्टोरी को रीड करने के बाद इस मूवी को बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह मूवी इतनी लेंथ इसकी लंबी हो गई है कि ऑडियंस देखने के बाद थोड़ा सा बोरियत महसूस करती है, और बीच में एक 45 मिनट का जो स्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लॉट है, जो देखने के बाद काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा बोरियत महसूस होता है। हाँ, एक बार मूवी देखने के बाद यह ज़रूर महसूस हो रहा है यह मूवी यदि OTT प्लेटफॉर्म पे एपिसोड के रूप में 6-7 एपिसोड में अगर रिलीज हुई होती तो काफ़ी अच्छी रिस्पांस और ऑडियंस को खूब पसंद आने वाली थी, और हर एक सभी घटनाओं को बहुत ही बखूबी तरीके से स्वतंत्र वीर सावरकर की इसमें दिखाया गया होता। लेकिन 3 घंटे की मूवी में उन सभी घटनाओं को तो दिखाना संभव नहीं है। तो स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी की कहानी की शुरुआत होती है ऐसे ही, एक प्लेग महामारी फैली होती है जिसमें उन सभी लोगों को जो पीड़ित होते हैं उनको आग लगाकर जला दिया जाता है। कि वीर सावरकर जी का यह मानना था कि इन लोगों को भगाने के लिए अहिंसा का ही पालन करना होगा, इसलिए वो लंदन शहर जहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे वहीं पे वो चले जाते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजों की भगाने की षड्यंत्र। और उनके साथ कई ऐसे दोस्त होते हैं जो वहाँ पे लंदन रह रहे अधिकारियों को वहाँ पे उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रच कर उनका हत्या करवा दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आने के बाद वीर सावरकर को वहाँ से गैर कानूनी तौर से लाकर और उनको काला पानी की सजा दे दी जाती है। और उस समय वीर सावरकर जी का यह मानना था कि ऐसे मरने से बढ़िया है कि बाहर निकलकर कुछ किया जाए, और उस दौरान वो बात क्लियर करने के बाद वो बाहर निकलते हैं और फिर उनसे मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और गांधी जी के साथ अन्य कई सभी जो स्वतंत्रता वीर संग्रामी थे, जो आज़ादी के लिए अपना अहम योगदान निभाए, और उनके बाद शुरुआत होती है वीर सावरकर के साथ मिलने के बाद आज़ादी के लिए, जो कि बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। रणदीप होंडा काफ़ी लाजवाब, आउटस्टैंडिंग कितना भी कम कहा जाए बहुत ही कम है। यह एक ऐसे एक्टर हैं जो कम समय के अंदर एक अच्छी स्ट्रगल करने के बाद वो करके देते हैं, जो बिल्कुल ऑडियंस को पसंद आती है। वीर सावरकर के कास्ट के लिए सबसे परफेक्ट और अहम रणदीप होंडा। सावरकर का यह रोल काफी परफेक्ट और सटीक बैठता है, जो साफ साफ पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सावरकर के भाई के रोल में अमित सियाल और पत्नी के किरदार में अंकिता लोखंडे ने प्रभावी किरदार निभाया है। इसके अलावा कास्टिंग थोड़ी और बेहद हो सकती थी, जैसा कि गांधी जी के रोल के लिए इससे बेहतर एक्टर्स हो सकते थे। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सेम हैं रणदीप होंडा, जिन्होंने 19वीं सदी के हिसाब से जो क्रिएट किया है वो काफ़ी बिल्कुल सटीक और शानदार बैठता है, जो ऑडियंस को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले की ये कहानी है, जो बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती नज़र आई है। और यह एक डायरेक्टर की बहुत ही बड़ी अहम योग्यता और
प्रथम शानदार ये जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल सटीक बैठता है। इस फिल्म के वन लाइन्स और डायलॉग्स ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे शानदार महात्मा गांधी और वीर सावरकर के जो वार्ता है काफ़ी इंटरेस्टिंग शानदार है। जब काला पानी की सजा होती है और उसमें जो भी फोटोग्राफी और उसके बाद वीडियो क्वालिटी बिल्कुल हूबहू सेम है। आज़ादी के पहले का भारत कैसा होगा, सिनेमेटोग्राफी अरविंद कृष्णा ने इसे काफ़ी बेहतरीन ढंग से कोशिश की है। जैसा कि फिल्म का टॉपिक है, गाने भी उसी हिसाब से रखे गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म में कुछ झूमने वाले देशभक्ति गाने होंगे तो ये गलत है। फिल्म में एक ही गाने जो अंत में है वो काफ़ी थोड़ी अलग और मराठी फ्लोवर में। भारत के स्वतंत्र संग्रामियों की तो कहानी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसी मूवी है जिसमें वीर सावरकर की उन सभी समर्पण और त्याग को बहुत ही बखूबी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। और यह कहानी अब तक के सबसे शानदार कहानियों में से एक होगी जो कि इससे पहले स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्रकाश में नहीं था। अब बारी इस मूवी से है कि जो आप देखने के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में और भी बहुत ही नज़दीकी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि उनका समर्पण और त्याग भारत देश के आज़ादी के लिए कितना अहम रहा। फाइनली यह मूवी आपने देखी है कि नहीं और स्वतंत्र वीर सावरकर की यह मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मूवी से रिलेटेड कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। इसलिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।